हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बालूशाही की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं ये बालूशाही कितनी जूसी बनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए अंदर तक कितनी जूसी बनी है। ये एकदम रसीली, बिल्कुल हलवाइयों जैसी, और ऊपर से उतनी ही खस्ता और क्रिस्पी बनी है। आप इस तरह से एक बार ये बालूशाही बना के ट्राई कीजिए तो आपको ये बालूशाही की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम इस हलवाई जैसी खस्ता और रसीली बालूशाही को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 1 कप मैदा लिया है, ये 250 ग्राम मैदा है। इसमें 1 इंच नमक डालेंगे और 4 टेबल स्पून घी डालेंगे और 1 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही डालने से बहुत ही अच्छी बालूशाही बन के तैयार होती है। इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, एकदम आटे की तरह नहीं गूंथना है। इसे हम इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसी तरीके से हल्के हाथों से ही इसे गूंथेंगे, जिससे इसमें अच्छी लेयर बनती है और बालूशाही अंदर तक खस्ता बनती है। तो आप बस इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से ही मिक्स करें। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इसको डालने से बालूशाही अच्छी फूली फूली बनती है। अब इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप बेकिंग पाउडर की जगह सोडा भी यूज कर सकते हैं। बालूशाही के डो को हमें बांधना है, इसे गूंथना नहीं है, बस इसे आपस में इस तरीके से बांधते हुए गूंथेंगे। ये देखिए, ये डो बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं और चलते हैं इसके लिए चाशनी बनाने के लिए गैस की तरफ। चाशनी बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी शक्कर ली है, ये 200 ग्राम शक्कर है, और 1 कटोरी उसमें पानी डालेंगे। अब इसकी चाशनी बना लेते हैं। इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और 1 इंच येलो फूड कलर है ये। आप चाहे तो फूड कलर को स्किप कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी को उबलते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब ये गाढ़ी हो गई है, हमें बालूशाही के लिए गाढ़ी गाढ़ी ही चाशनी बनानी है। 2 तार की ये तार आ रहा है चाशनी में। ये चाशनी बन गई है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे साइड में रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने बालूशाही का डो बना के रखा था, अब इसे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें इसे मसलना नहीं है, इसके डो को बस इस तरीके से हम छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे इसमें से, इस तरीके से गोल करते हुए इस तरीके से चपटा करेंगे और इसे बीच में होल करेंगे। इसे होल करने के लिए मैं इस तरीके का बेलन का यूज कर रही हूँ, जिससे ये आसानी से इसमें होल हो जाता है। इस तरीके से होल करके बनाने से जब हम बालूशाही को चाशनी में डालते हैं तो अंदर तक इसमें चाशनी जाती है और फ्राई करते समय भी ये अच्छे से फ्राई होता है। तो बस इसी शेप में हम सारी बालूशाही को बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी बालूशाही को बना लिया है। इसे बिल्कुल भी मसला नहीं है, बस हल्के हाथों से छोटी छोटी लोइयां तोड़ के बालूशाही को बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइड में ऑयल तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, हल्का ही गर्म किया है, बस इसे कम गर्म तेल में ही डालना है। ये देखिए, डालने से इसमें बुलबुले आ रहे हैं, बस इतना ही गरम चाहिए हमें तेल। इस तरीके से हल्के गरम तेल में ही बालूशाही को डाल के फ्राई करने से बालूशाही अंदर तक अच्छे से पकती है और धीरे धीरे फ्राई होती है। बस इसे फ्राई करने के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, पर अंदर तक पक के खस्ता और कुरकुरी फ्राई होती है। इस ट्रिक से इसे फ्राई करें तो बहुत ही खस्ता बनेगी बालूशाही, अपने आप ही
फूल के ऊपर आ गई है। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली बन रही है। अभी हम इसे पलटेंगे नहीं, उस साइड से और थोड़ा सा सिक जाने देते हैं, उसके बाद ही इसे हम पलटेंगे। हम इसे धीरे से पलट लेते हैं। अब इसे उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसकी लेयर आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से बाकी बालूशाही को भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी बालूशाही को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमने जो चाशनी बना के रखी थी उसे मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है। गरम चाशनी में ही हम ये बालूशाही डालेंगे। ये एक एक करके इसमें डालेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से चाशनी डाल देंगे। इसे 10 मिनट के लिए एक साइड से डुबा के रखेंगे, फिर पलट के इसे 10 मिनट के लिए डुबा के रखेंगे, जिससे चाशनी अंदर तक अच्छे से भर जाए। इसे अब 10 मिनट रखे हुए हो गए हैं। अब इसे दूसरी तरफ से भी हम पलट लेते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से इसे पलट लिया है। अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी बालूशाही को चाशनी से निकाल लिया है और उसे थोड़े से चांदी से वर्क और पिस्ते से डेकोरेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी जूसी जूसी हमारी ये बालूशाही बन के तैयार हुई है। आप इस तरह से एक बार इस बालूशाही को घर पे बना के ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए, हम फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छी और एक नई रेसिपी के साथ।